1991 में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने कल्याण सिंह, और उनकी सरकार में मंत्री बने डॉक्टर शिवप्रताप शुक्ला जी, उनसे बात करेंगे। सर, 1991 पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, 221 सीटें आपके पास थी, बहुमत में थे, 5 साल सरकार चल सकती थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 उस घटना के बाद जिस तरीके से कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया, राजनीति में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने के बाद सब दूसरे दिन उनके आवास पर बैठक थी, माननीय अडवाणी जी उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा कि माननीय अडवाणी जी, 1, 2, 10 नहीं 100 सरकारें जाए तो जाने दीजिएगा, लेकिन राम मंदिर जरूर बने, यह संकल्प हम सभी लोगों का होना चाहिए। यह तो यह आपने सुना, क्या कहना है शिवप्रताप शुक्ला जी का, जो 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना उत्तर प्रदेश में, तब शिवप्रताप शुक्ला उनके साथ मंत्री बने, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, लगातार फ़ोन कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर से बात हो जाए, लेकिन कल्याण सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि फ़ोन नहीं उठाना है, शाम तक फ़ोन नहीं उठाना है, और जब हम कहें जब बाबरी विध्वंस हो गया उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और फिर सीधे गवर्नर को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कर्मधार जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।